कांग्रेचुलेशंस मैम, आप जीत चुकी हो ब्रांड न्यू कार। हमको कार लगी है, कार लकी ड्रॉ में। मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप लकी ड्रॉ जीत गई हो और आपको मिलता है फर्स्ट प्राइज, वो भी क्या ब्रांड न्यू कार। आपको भी लगी? क्या कहना चाहती हो आप? आपको भी का मतलब वो क्या है? मुझे भी दशहरे के दिन कॉल आया था और वो लड़की बोल रही थी मुझे कि आपको भी कार लगी है। हमारे साथ कोई स्कैम हो गया लगता है। भाई 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 भाई, सुनैना की मम्मी, सुनैना को अंदर लेके जा। क्या हुआ? सुनैना चलो यहाँ से। क्या ये जी मम्मी को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, चलो। क्या हुआ, क्या हुआ, बात तो बताइए। सुने ना कि मम्मी, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? बोलिए ना। मैंने जो उनको फोटो दिया था ना पासबुक का, उस अकाउंट में से 50,000 रुपए कट गए। शर्मिला जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इनको? एक तो मैंने वो दिवाले के लिए बचा के रखे थे। दरवाजा तो खुला ही है। बहुत बुरा हुआ, मैंने अभी सुना बाहर से। देखो इसको। शांत हो जाइए, अभी हो गया सब, हो गया। क्या हुआ बाबू, अपने डीजे का स्पीकर इतना बड़ा क्यों किया है? क्या किया तूने? इधर देख, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। कार आने वाली थी ना? पता है, उसका आगे का बोल कल से कर 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 रही है। कार आने वाली थी ना, वो फेक था। हाँ, लगा था मुझे ऐसा ही कुछ निकलेगा। नहीं, किसी की सुननी नहीं। ससुर जी बोल रहे थे, मेरा बेटा बोल रहा था, मैं बोल रही थी, सब बोल रहे थे, पर नहीं, खुद की करनी है, कर खुद की। चलो बंद कर दे रोना, कोई नुकसान नहीं हुआ ना? नुकसान हुआ है। सुने ना कि मम्मी का उसका होने दे। वैसा नहीं बोल रही थी मैं, मेरा कहने का अर्थ वो नहीं है। तेरा नहीं हुआ ना? ससमा, मैं बताती हूँ क्या हुआ। हाँ बता बता, तू कान लगाती है ना, बोल। वो हुआ यूं कि सुनैना की मम्मी को भी सेम कॉल आया था, आप कार जीत गई हो। फिर उनको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शर्मिला को भी मांगे, सुनैना की मम्मी को भी पासबुक का फोटो मांगा, बैंक अकाउंट का, शर्मिला को भी मांगा, और अभी सुनैना की मम्मी के पैसे कट गए बैंक में से। ये काम कर, पूरा घर नाम कर दे किसी और के। मैनर्स ले सौरभ, फोटो भेजने की क्या जरूरत थी डॉक्यूमेंट के? अभी मैं मेरे बेटे को बुलाती हूँ, इनको बुलाती हूँ, दिखाती हूँ उनकी लाडली बहू के कारनामे। मैं लगा के दूँ क्या फोन? मुंह बंद रख, निकल अपने बिल में। ए बेटा, जल्दी घर पे आ जा, तेरी बीवी ने बहुत बड़ा तमाशा कर दिया है घर में। बताती हूँ, पहले घर तो आ। हेलो, हाँ जल्दी घर पे आ जाइए, बताती हूँ, आ जाइए जल्दी। हर दिन मैंने तेरी चुगल चाटी, अब आएंगे सब। अंत कर अपना रोना। क्या हुआ मामा, शर्मिला ने क्या कर दिया? बताती हूँ, तेरी बीवी का कारनामा। इसने ये जो लकी ड्रॉ का ड्रामा किया था ना, सब फेक है, कोई कार नहीं मिलने वाली इसको। क्या हुआ ललिता, मुझे ऐसा बुला लिया? मैं आपको बताती हूँ, एक नंबर का स्कैम है, स्कैम। ये फंस गई है लाल साड़ी वाली, क्या है इसका नाम, सुने ना कि माँ। नुकसान हुआ है उसका, पता नहीं कितने पैसे गए। पता नहीं गए होंगे, इसलिए रो रही है इतना। मैंने कहा था तुमको ये सब फेक होगा। नहीं, मेरी बात मानी नहीं तुमने।
बस हो गया शर्मिला, रो मत अब, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है ना, वही सबसे बड़ी बात है। तेरी बीबी ने भी अपने बैंक डिटेल्स के फोटो भेज दिया उनको। क्या, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल तुमने दी? नहीं नहीं, मैंने आपका नंबर नहीं दिया। मैंने मेरी डिटेल्स दी है बैंक अकाउंट की। अब आप चुप क्यों है, बोलिए ना, कुछ बोलिए, मुंह में दही जम गया है। सुन भाई सुन भाई सुन भाई, ये क्या कारनामा कर दिया सुन भाई। हाँ पापा बोलिए, अब गलती उसकी है, हर बार हमको डांटते हो, अब उसको डांटिए। ए चुप माँ। ये बेटा सुन भाई, हम सब तुमको बोल रहे थे ये कोई स्कैम होगा स्कैम होगा, तुमको सुनना चाहिए था सबकी बात। कितना बैलेंस था? 500 रुपए थे। मैंने सोचा था उस 500 रुपए से फिर से 80% ऑफ की 300 रुपए वाली साड़ी लूं। अब आएगा पैसा। अरे इसके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, 500 रुपए दिखा रहा है बस। बच्चों 100 रुपए से चीज लाना था पिज्जा करने के लिए। सत्यानाश हो गया। ओ तेरी